कोरोना वायरस की इस महामारी का सामना हम सबको एकजुटता से करना होगा। विश्व के अनेक विशेषज्ञों ने और प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन का निर्देश हमें दिया है उसका पालन हमें करना ही होगा, केवल स्वतः के लिए नहीं, हमारे परिजनों के लिए और देश के लिए। इस वातावरण में सुरक्षित रहना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस बात से भी अवगत हूं कि कई लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे कार्यकर्ता आपके लिए सदैव उपलब्ध हैं और मैं भी दूरभाष पर आप सबके लिए उपलब्ध हूं। कोई भी कठिनाई हो तो दूरभाष पर मेरे साथ जरूर संपर्क करें और आपके हर कठिनाई के लिए मैं आपके लिए सदैव तत्पर उपस्थित हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना के महामारी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठाया है, 21 दिन का लॉकडाउन का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। हमें इस महामारी की विकरलता को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया है, हम सबको जिम्मेदारी के साथ इस दहशत में इस निर्णय का पूरा अनुशासन से पालन करना चाहिए। हमारी सावधानी और अनुशासन ही इस बीमारी का इलाज है और घर में रहकर एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय हम लोग सब दें। जय हिंद, जय भारत। जो वर्तमान में देश में कोरोना वायरस और विश्व में कोरोना वायरस की एक व्यापक महामारी की समस्या के साथ पूरा विश्व जूझ रहा है, वर्तमान में जो सरकार ने कदम उठाया है कि राज्यसभा के चुनाव को स्थगित किए गए हैं, ये एक बहुत सही कदम है। और वर्तमान में मैं अपने तरफ से भी सभी हमारे देश के नागरिकों के को अपील करना चाहूँगा कि हम लोग सभी सावधानी बरतें, कम से कम हम लोग किसी से भी ना मिलें, घर में रहें। जो भी कर्फ्यू और एक लॉकडाउन का वातावरण है उसका हम लोग पालन करें ताकि एक साथ मिलकर देश के 130 करोड़ जनता इस महामारी का सामना हम लोग साथ में मिलकर करें। राज्यसभा का चुनाव स्थगित किया गया है, ये एक सही कदम सरकार ने उठाया है और वर्तमान में हमारा सारा ध्यान और आकर्षण इस महामारी का सामना करने में एक साथ मिलकर एक देश एक भारत के रूप में हमें सामना इसका करना होगा। यह कोरोना वायरस एक महामारी है जिसे पूरी गंभीरता से हमें लेनी होगी। कृपा करके आप सब और अपने परिजन पूरी तरीके से गंभीरता बरतें, पूरी तरह से सावधानी बरतें। दिन में कम से कम 4 से 5 बार हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोएं, कम से कम 15 से 20 सेकंड के लिए। जितना भी हो सके घर के बाहर न जाएं, घर वालों के अलावा और परिजनों के अलावा किसी के साथ न मिलें और पूरी तरह से सावधानी बरतें। जरूरत पड़ने पर घर में भी सैनिटाइजर जरूर रखें और कम से कम लोगों से मिले और पूरी तरह से लॉकडाउन को पूरी तरह से निभाएं ताकि इस महामारी का सामना करने में देश की जनता एक साथ मिलकर पूरी तरह से एक तरीके से एकता के साथ इस महामारी का हम लोग सामना कर पाएं।